आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिससे आप 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मुफ्त में करा सकते हो, ये जो हेल्थ कार्ड है अब राशन कार्ड के बदौलत भी बनाया जा सकता है। अगर आपका जो नाम है आयुष्मान भारत योजना की सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे सभी लाभार्थी अब अपना जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, वो बना सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है आयुष्मान भारत योजना को लेकर के। अब ऐसे सभी लाभार्थी जो लोग अभी तक इस योजना से वंचित थे, इस योजना का कार्ड वो नहीं बनवा पाए थे, अब उन सभी लोगों का जो कार्ड है वो बनाया जा सकता है। इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ चुका है और कार्ड भी बनना शुरू हो चुके हैं। और ये जो कार्ड है आपको बनवाने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक सेल्फ पोर्टल लाया है जहां से आप खुद से अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो, घर बैठे ही अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट की एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लाभार्थी होता है उसका एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से जाना जाता है। अभी जो गोल्डन कार्ड आपका बनाया जाता है जिसके जरिए आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर बहुत सारे सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे जहां पर आप इस कार्ड के बदौलत ट्रीटमेंट करा सकते हो। आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है, कोई ऑपरेशन आप करा रहे हो, जो भी दवाइयां आप परचेस कर रहे हो, डॉक्टर की जो फीस है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कराई जा सकती हैं। और ये जो पैसे हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कि एक साल अगर आप 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो पैसा खर्च कर लेते हो तो अगले साल फिर से आपको 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो आपको मिल जाती है। योजना जब गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी तो इस योजना के अंदर करीब 11 करोड़ परिवारों को ही जोड़ा गया था, जिसमें कि देश के करीब 55 करोड़ लोगों को इस योजना का जो लाभ है वो दिया जा रहा था, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस कार्ड के लिए एलिजिबल थे, लाभार्थी थे, लेकिन वो लोग इस योजना का जो लाभ है वो नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर के अब गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है जिसमें कि आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है, अगर आपके पास में आपका राशन कार्ड है तो आप अपना जो कार्ड है वो बनवा सकते हो, जिसमें कि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो राशन कार्ड जारी किया जाता है वो लोग इस कार्ड को बना सकते हैं। इसी के साथ में जो सबसे ज्यादा कार्ड गवर्नमेंट ने बनाए हैं पात्र गृहस्थी के अंदर, जो सफेद कलर का कार्ड होता है उस पर भी ये जो कार्ड है वो बनाया जा सकता है। अब यहां पर अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो आपका राशन कार्ड इश्यू हुआ है तो उसमें परिवार के कितने भी सदस्य हो उन सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ कार्ड बनाया जाता है वो आप बना सकते हो। लेकिन यहां पर पात्र गृहस्थी योजना के अंदर जिन लोगों को कार्ड बनाया जा रहा है उसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बनाया गया है जिसमें कि आप सभी के परिवार के जो सदस्य हैं वो कम से कम 6 होने चाहिए या फिर 6 से ज्यादा होने चाहिए। इससे अगर कम लोग हैं परिवार में तो उनका जो कार्ड है वो नहीं बनाया जा सकेगा। अब यहां पर ये जो रूल है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि जनसंख्या हमें कम करनी है और ऐसे लुभावने ऑफर देना लोगों को कि ज्यादा अगर आपके परिवार में सदस्य हैं उनको लाभ दिया जाएगा, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्यों इस चीज को कर रही है, जबकि यहां पर होना चाहिए था कि सभी लोगों को इस योजना का जो लाभ है वो दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के जल्द ही कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आएगा। गवर्नमेंट इस बार आयुष्मान भारत योजना को लेकर के काफी एक्टिव है, सभी लोगों का आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ एक्शन लिए हैं जो कि रिसेंट मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है, जिसमें कि सेल्फ ई केवाईसी का जो पोर्टल है वो भी आ चुका है, जिसमें कि आप आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो आप खुद से ही बना सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पर भी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो, कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड आईडी अगर आपकी बनाई गई है उस हाउस होल्ड आईडी कार्ड पर अगर आपके परिवार के 6 या फिर 6 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो वो भी लोग इस योजना का जो कार्ड है वो बना सकेंगे। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको भी जरूर चेकआउट करिए। और ये जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है, राशन कार्ड की बदौलत कैसे बनाया जाएगा, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शूट कर रखा है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको लेकर के मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाला हूं कैसे आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। तो आज का जो ये अपडेट है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।